हेलो स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टिशू वाला टॉपिक लेके आए हैं, जो कि क्लास नाइन्थ के साइंस का है। तो हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि टिशू क्या होता है। टिशू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल आर कॉल्ड टिशू। जो सेल का ग्रुप होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? टिशू कहते हैं। एंड डैट वर्क टूगेदर टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिशू। जो कि क्या करता है, जो भी जितने भी सेल होते हैं वो क्या करते हैं, सभी मिलकर क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। या शॉर्ट फॉर्म में आप ये भी पढ़ सकते हो कि ग्रुप ऑफ सेल आर कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, आगे है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू क्या होता है? प्लांट टिश्यू का मतलब है, ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग कैपेसिटी प्लांट टिश्यू आर टू टाइप्स। ठीक है, जो प्लांट टिश्यू होते हैं इनकी कैपेसिटी के बेसिस पे क्या किया गया, प्लांट टिश्यू को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट क्या है इसमें, मेरिस्टेमेटिक और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिस्कस करेंगे। आगे इसमें ये कह रहा है कि जो मेरिस्टेमिक टिश्यू होता है वो क्या होता है, ये जो होता है कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो एक्टिव डिवाइडेड सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इसमें जो भी सेल्स प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, वो एक्टिव होंगे। आगे हम पढ़ते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। इसकी प्रॉपर्टी में ये बोला गया है कि मेड ऑफ इमेचर सेल्स और अनडिफ्रेंशिएटेड सेल। ये किससे बना होता है, इमेचर सेल और अनडिफ्रेंशिएटेड सेल से बना होता है। सेल वॉल इज थिनर विद अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ठीक है, जो इसकी सेल वॉल होती है क्या होती है, वो काफ़ी काफ़ी पतली होती है, जो कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस के साथ होती है। एंड देयर सेल्स आर मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव। और जो इसके सेल्स होते हो क्या होते हैं, हाईली एक्टिव होते हैं विद डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो टिश्यू जो हैं वो तीन टाइप की होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने होते हैं, ये तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक, दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा होता है लेटरल मेरिस्टेम। अब देखो, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जो मेरिस्टेमेन है, मेरिस्टेमेटिक जो है, इसमें जो वर्ड यूज़ हो रहा है स्टेमिक, मतलब कि इसका क्या होता है कि जो भी ये टिश्यू होंगे वो कहाँ से रिलेट करेंगे, इसके स्टेम से रिलेट करेंगे, और स्टेम है तो मतलब कि रूट भी होगा। तो सेम ऐसे इसमें फर्स्ट जो गिवन है हमें कि एपिकल मेरिस्टेमिन क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है स्टेम और रूट्स में। ठीक है, जो कि क्या काम करता है, ये स्टेम और रूट्स के इंक्रीज होने में हेल्प करता है। ठीक है, सेकेंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, फिर से मेरिस्टेम है। तो देखो, सारे मेरिस्टेमिक टिश्यू हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये क्या कहना चाह रहा है कि जो मेरिस्टेम इंटरकैलरी है, ये क्या होता है, ये लीव्स एंड इंटरनोड्स यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एंड इनका काम क्या होता है, जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो किस कौन से टिश्यू के कारण होती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण उनकी ग्रोथ होती है। एंड लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, ये भी कहाँ फाइंड होता है, ये भी होता है स्टेम और रूट्स में ही प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ पे पाए जाते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है इंक्रीज थिकनेस ऑफ स्टेम एंड रूट्स, और जो स्टेम और रूट्स होते हैं उनकी थिकनेस को बढ़ाने का काम कौन करता है, लैटरल मेरिस्टेम करता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं
परमानेंट टिश्यू। हमने पढ़ा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि तीन टाइप के थे। फर्स्ट हमारा क्या था उसमें, फर्स्ट हमारे यहाँ पर था एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लास्ट हमारा था लेटरल मेरिस्टेम। तो आप AIL के हिसाब से भी इसको याद कर सकते हो, ए ए IL। इस ट्रिक से भी इसको याद रख सकते हो कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, AIL। ए से क्या हो गया एपिकल, आई से इंटरकैलरी और एल से लेटरल। ठीक है, अब तीनों ही क्या होगा स्टेम, तीनों में से बस एक एपिकल और लेटरल मेरिस्टेमिक होते हैं जो कि स्टेम और रूट में पाए जाते हैं, और जो इंटर कैलरी, इंटर मतलब कि जो पत्तियों में और इंटर नोड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके फंक्शन अलग है। अब हम अगला टॉपिक जो पढ़ते हैं वो क्या है हमारा, परमानेंट टिश्यू। अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू में हमारा क्या है, परमानेंट टिश्यू क्या होता है, इट फॉर्म्स फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बने होते हैं एंड द सेल लूजेज द एबिलिटी टू डिवाइड। और जो इसके सेल होते हैं क्या करते हैं, अपनी उस कैपेसिटी को लूज करते हैं जिससे क्या होता है इनमें डिवीजन होता है। एंड परमानेंट टिश्यू डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं क्या होता है, वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट है सिंपल परमानेंट और सेकेंड है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक है, ये दो हमारे क्या है, परमानेंट टिश्यू के टाइप है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि जो सिंपल हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं। सिंपल में पढ़ेंगे तो हमारे तीन नाम होते हैं, पैरेकाइमा, कोलेकाइमा और स्क्लेरेकाइमा। तो आप इसको PCS से याद कर सकते हैं। PCS, S का मतलब इसमें S दे रखा है, S मतलब कि ये क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, अब इसमें देखो अगर आप लोग ध्यान दोगे तो इसमें आपका देखो PCS मतलब S मतलब कि P भी आ रहा है और CS भी आ रहा है, मतलब P से S से सिंपल और P से परमानेंट टिश्यू। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मतलब कि जो ये क्या है PCS या SPC, ये भी ठीक रहेगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जिसमें आपका सी एस से क्या होगा, स्क्लेरे कायमा, सी से होगा कोले कायमा और पी से होगा पैरे कायमा। क्लियर, अब इसमें हम देखते हैं, हम इन तीनों को क्या करेंगे, वन बाई वन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट क्या है हमारा, पैरे कायमा। फर्स्ट क्या है हमारा, पैरे कायमा। अब पैरे कायमा देखते हैं क्या करते हैं, इनका क्या काम है, ये कैसे रोल प्ले करते हैं। ये जो पैरेकाइमा होता है क्या होता है, कंपोज ऑफ अनस्पेशलाइज्ड लूज पैक्ड लिविंग सेल विद रिलेटिवली थिन सेल वॉल एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस। जो पैरेकाइमा होता है ये होता है, जो ये क्या होता है, इसमें जितने भी सेल होते हैं लिविंग सेल होते हैं, ठीक है, लिविंग सेल और पतली थिन वॉल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस होता है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है। कोले कायमा क्या होता है, कोले कायमा का मतलब पैरेकाइमा कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड कोरेकाइमा। कहने का मतलब क्या है कि जब पैरेकाइमा क्लोरोप्लास्ट बनाता है तो क्लोरोप्लास्ट बनाने के बाद क्लोरेकाइमा क्या करता है, उसका यूज़ करके क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में एक रिएक्शन करता है, जिस रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं, कोलिक कायमा कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है टिश्यू के, सिंपल टिश्यू के। लास्ट है एक्लेरे कायमा, एक्लेरे कायमा को ही क्या कहते हैं, सॉरी कोले कायमा जो है हमारा
पैरेकायमा के दो पार्ट हमने पढ़े हैं, एक पढ़ा है क्लोरेकायमा और दूसरा क्या है एरेकायमा। ठीक है, अब एरेकायमा क्या होता है? एरेकायमा का मतलब है पैरेकायमा कंटेन्स लार्ज एयर कैविटी इज कॉल्ड एक्लेरेकायमा। जो पैरेकायमा होते हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में एयर कैविटी को कंटेन करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं एक्लेरेकायमा कहते हैं। दीज लार्ज एयर कैविटीज प्रोवाइड बायोम्स टू एक्वेटिक प्लांट। और ये जो काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में कैविटी प्रोवाइड की जाती है वो क्या होता है एक्वेटिक प्लांट के बायोम्स के कारण होता है। ठीक है, वो प्रोवाइड करते हैं। एंड अगला है कोलेकायमा। कोलेकायमा क्या होता है? कंपोज लिविंग एंड इलोंगेटेड सेल्स विद सेल वॉल इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर। कोलेकायमा क्या होता है? ये लिविंग इलोंगेटेड सेल और सेल वॉल इन सभी से क्या होता है मिलकर बने होते हैं। और कैसे होते हैं? इनके कॉर्नर काफ़ी थिक होते हैं एंड हैव वेरी लिटल इंटरसेलकुलर स्पेस। और इनके अंदर क्या होता है? थोड़ी सी ही मात्रा में क्या होता है स्पेस होता है। एंड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल। और सेल को क्या करते हैं? ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगला हम पढ़ते हैं स्क्लेरेकायमा। स्क्लेरेकायमा क्या होता है? कंपोज्ड लॉन्ग नैरो लिगिन डिपॉजिट थिक टिश्यू मेड ऑफ डेड सेल। जो स्क्लेरेकायमा होता है ये क्या होता है? ये डेड सेल से मिलकर बना होता है, जो कि क्या होता है नैरो लिगिन डिपॉजिट थिक टिश्यू इन सभी चीज़ों से मिलकर बना होता है। एंड देयर आर नो इंटर मोलिकुलर स्पेसिस। और इसके अंदर क्या होता है? कोई भी इंटर मोलिकुलर स्पेसिस नहीं होता है। एंड फॉर एग्जाम्पल हस्क ऑफ कोकोनट। हस्क ऑफ कोकोनट मतलब कि जो कोकोनट का रेशा होता है ना, जब हम नारियल क्या होते हैं एक पूरा पैक्ड नारियल लेके आते हैं ड्राई वाला, जब हम उसको छीलते हैं तो जब छीलते हैं तो उसके अंदर वैसे निकलते हैं फाइबर, फाइबर सी चीज दिखाई देता है ब्राउन कलर का। तो जो फाइबर है वो क्या है? वही आपका स्क्लेरेकायमा है, जो कि क्या किससे मिलकर बना होता है लिगिन नैरो और लॉन्ग थिक टिश्यू से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट है, नाम से ही पता चला है कि कॉम्प्लेक्स मतलब मोर देन वन, एक से ज़्यादा टिश्यू से मिलकर बना होगा। तो मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक से ज़्यादा तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं। एंड टिश्यू कॉन्स्टिट्यूट वास्कुलर बंडल। जो टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं? वास्कुलर बंडल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। एंड टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के टाइप क्या हैं? फर्स्ट है जाइलम और सेकेंड है फ्लोएम। फ्लोएम अब हम पढ़ते हैं जाइलम। जाइलम मतलब एक जाइलम का मतलब जो क्या करता है वाटर मतलब जल। जल का क्या करता है? प्लांट्स के अंदर ट्रांसपीरेशन का काम करता है। ये प्लांट्स के अंदर क्या करता है? पानी को उनके अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। और फ्लोएम, फ्लोएम क्या होता है? जो बचा हुआ जैसे कि वेस्ट मटेरियल और जो फूड का काम होता है वो कौन करता है? वेस्ट मटेरियल मिनरल्स और फूड का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो जाइलम है वो क्या करता है? कंडक्ट वाटर, वाटर कंडक्ट करता है। एंड मिनरल्स क्या करता है? फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के रूट से लेकर उसके अलग अलग पार्ट तक क्या करता है? ये वाटर को कंडक्ट करवाता है। एंड कंपोज फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। और जो जाइलम होता है ये चार अलग अलग सेल से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है ट्रेचियर, सेकेंड वेसल्स, थर्ड जाइलम और फोर्थ है जाइलम पैरेकायमा और फोर्थ है जाइलम फाइबर्स। एक्सेप्ट जाइलम पैरेकायमा और जाइलम एलिमेंट्स आर नॉन लिविंग। मतलब कि जाइलम पैरेकायमा को छोड़ के बाकी जो भी इसमें हैं एलिमेंट्स हैं वो सभी नॉन लिविंग होती हैं, नॉन लिविंग। अब हम इसमें आगे देखते हैं फ्लोएम। फ्लोएम में क्या है? फ्लोएम मैंने जैसे कि बता दिया आपको फूड कंडक्ट करवाने का काम करते हैं। तो इसमें फर्स्ट लाइन वही लिखा है कि फ्लोएम जो होता है क्या करता है? फूड कंडक्ट मटेरियल होता है, जो कि क्या करता है पत्तियों से लेकर
प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने के काम करता है। और ये क्या होता है, ये किससे बना होता है, ये भी चार डिफरेंट सेल से मिलकर बना होता है, जिसमें फर्स्ट क्या है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पेरिकाइमा और फ्लोएम फाइबर्स। अब ईच फ्लोएम फाइबर को छोड़कर बाकी सारे क्या है, लिविंग सेल है, बाकी नॉन लिविंग में काउंट हो गए। ठीक है, अब हम इसमें अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक हमारा क्या है, एनिमल टिश्यू। अब ये जो एनिमल टिश्यू वाला टॉपिक है, हम इसे अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल लगा हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।